महाराजगंज स्थित आईपीएल चीनी मिल में तकनीकी खराबी के कारण बंद होने से गन्ना किसान परेशान। धरना प्रदर्शन की स्थिति को नियंत्रण कर देर शाम केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने किसानों की समस्या सुनी, समाधान के लिए गन्ना आयुक्त से बात की। महाराजगंज जनपद के सिसवा विधानसभा क्षेत्र से गन्ना किसान आज अपने आप को ठगे महसूस कर रहे। दरअसल सिसवा में स्थित आईपीएल चीनी मिल प्रबंधन ने शुगर मिल में तकनीकी खराबी होने के कारण बीते 26 मार्च से इस सत्र की पेराई को बंद कर दिया। वहीं गन्ना किसानों को आश्वासन दिया था, लेकिन एक भी बात सच साबित नहीं हुई। ब्रजेश पांडे नाम है हमारा और बढ़ारा महंत गांव है, वहां के रहने वाले हैं। किसान हैं हम भी, गन्ने की खेती करते हैं। और अब जब गर्मी बढ़ रही है पूरी तरह से और किसानों ने अपनी गाढ़ी पसीने की कमाई जो इसमें गन्ने की फसल में लगाई हुई है वो इस समय फैक्ट्री अचानक बंद हो गई है और जो मिल प्रबंधन है वो इसकी कुछ वैकल्पिक व्यवस्था कर नहीं पा रहा है। पिछले लगभग एक हफ्ते से यहाँ पे सैकड़ों ट्रॉली गन्ना, कम से कम 50,000 क्विंटल गन्ना यहाँ पे यार्ड में ही पड़ा हुआ है, उसके तौल की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। सबसे पहले तो जो ये गन्ना यहाँ सूख रहा है उससे किसानों की जो क्षति हो रही है उसके लिए ज़रूरी है कि तत्काल मिल प्रबंधन इसकी व्यवस्था करे कि इस गन्ने का तौल हो यहीं पे ही और फिर वो अपने स्रोत से यहाँ पे इसको चाहे भिजवाएं। इसके अलावा खेतों में भी जो फसल जो अभी गन्ना छिल के जो पर्ची इन्होंने जारी की हुई थी उसके लिए गन्ना छिल के खेतों में खड़ा है, जितना गन्ना यहाँ है इसे शायद 1.5 या 2 गुना गन्ना वो होगा। इसके अलावा भी गन्ने की काफ़ी फसल खेतों में खड़ी है तो उन सभी के लिए यहीं पे क्रय केंद्र बना के मिल पे ही और उसके तौल की व्यवस्था करें, यही हमारी मांग है। मैं उमेश पुरी हूँ, पूर्व चेयरमैन नगर पालिका सिसवा बाजार और भारतीय जनता पार्टी के किसान प्रकोष्ठ का जिला उपाध्यक्ष हूँ और हमारी पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों के साथ खड़ी है और हम भी यहाँ मौके पर इसी नाते आए हैं, लेकिन ये GM जानबूझ करके लापरवाही कर किया है और ये फैक्ट्री को गड़बड़ कर दिया है। हम लोग चाहते हैं कि जितना जल्द से जल्द हो ये गन्ना लें और अपना मिल आगे पीछे सही कराते रहें, इनकी जिम्मेवारी है। और ये लापरवाही में जो है आज एक हफ्ता से हमारे किसान जो है भूखे प्यासे बिना खाना खाए रात दिन यहाँ खड़े हैं और ये जो चीनी मिल का GM है इस पर सूद नहीं ले रहा है, ये हवा में बात कर रहा है कि हमारा मशीन खराब है, बंगलोर से आएगा, दुबई से आएगा, यहाँ से आएगा, वहाँ से आएगा, ये शासन को भी गुमराह कर रहा है और इससे हमारे सरकार को बदनामी हो रही है। मैं ये चाहता हूँ कि ये GM जो है अगर मेरी आवाज़ सुनता हो तो जितना इस सेक्टर में गन्ना है बिना वो सब फैक्ट्री चलवाए गन्ना तौल करावे और जब फैक्ट्री चलेगा तो अपना सेक्टर में लगवावे। प्रॉब्लम से मिल बंद हो गई और जिसके नाते कहीं ना कहीं गन्ना काश्तकारों को दिक्कत हो रही थी और ये उम्मीद था कि मिल चल जाएगी, लेकिन वो चल नहीं पाई, जिससे हम सब ने प्रयास किया और गन्ना आयुक्त से बात करके कि जो गन्ना यहाँ पर गिरा हुआ है मिल गेट के अंदर है वो भी और जो यहाँ पर अलाट हुआ था पर्ची कटा था उन सबको कहीं ना कहीं अब सिसवा शुगर मिल अपने खर्चे से रामकोला और खड्डा भेजने का काम करेगी।